तो पंचायत वेब सीरीज की जो सबसे स्पेशल बात है वो ये है कि उसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, वो एक सिंपल सा और एक ऑर्डिनरी सा शो है और उसकी यही सिंप्लिसिटी उसको बाकियों से अलग और बाकियों से काफी अच्छा शो बनाती है। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स सी स्टोरी नहीं है, कोई थ्रिलर टाइप का कुछ ये नहीं है, कुछ आपको ये मूड बना के नहीं बैठना है इस शो को देखने के लिए, जैसे होता है ना कि भाई ये शो तो देखना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। आप अपने मर्जी से देखिए, उसके बाद आपका खुद मन करेगा आगे देखने का। और यार ये तो होना ही था, अगर कोई शो स्टार्ट हो रहा है और उसकी शुरुआत में आपको TVF का नाम दिख जाए तो समझ जाइए कॉन्टेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, एकदम आपको प्रो लेवल की एक्टिंग और एक्टर्स दिखेंगे और कास्टिंग क्या गजब की होती है भाई। और इसी के साथ मैं आज ये भी कहूँगा कि यार ये मिडिल क्लास जो और इनकी प्रॉब्लम्स है इसको TVF से अच्छा कोई समझ ही नहीं सकता। मतलब इतनी ग्राउंडेड शो, इतने ग्राउंडेड रियलिटी प्रॉब्लम्स पे ये शो बनाते हैं कि एक मेरे जैसे मिडिल क्लास बंदे को वो देखने के बाद लगता है यार ये तो मेरी कहानी चल रही है, इनको कैसे पता कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे फिल्मों के जॉनरे होते हैं हॉरर, कॉमेडी, एक्शन, तो वैसे ही आप एक नया जॉनरा बनाइए, मिडिल क्लास जॉनरा, और इसका जो सबसे अच्छा कंटेंट मिलेगा वो आपको TVF के द्वारा मिलेगा। मतलब इनके फ्लेम्स से लेके पिक्चर्स से लेके पंचायत, गुल्लक, एस्पिरेंट्स, ये मेरी फैमिली, ये सारे शो A1 है। और यहीं पे TVF बाजी मार लेती है क्योंकि आप जानते हैं यार मिडिल क्लास बहुत सारे लोग हैं तो वो शो देखेंगे ही। और ये जो रिलेटेबल वाला फैक्टर है कि आप ये समझते हो कि यार मेरी कहानी चल रही है, यही चीज़ TVF को आज इतना सक्सेसफुल बनाता है। मतलब आप उसके YouTube के कंटेंट को जो ये फिल्मों के कंटेंट है उनसे कंपेयर कर सकते हो, इतना अच्छे लेवल पे वो बनाते हैं। अब पंचायत को ही ले लीजिए, इसका प्लॉट इतना सिंपल सा है, जैसे कि हमारे जैसा बंदा, उसकी एक गवर्नमेंट जॉब लग जाती है पंचायत सेक्रेटरी के रूप में, तो वो गांव में जाता है और फिर उसे वो एडजस्ट करना पड़ता है। यही सब चीज़ देखने में काफ़ी सिंपल सी चीज़ें होती हैं, कोई इसमें उन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया स्टोरी में, जो रेगुलर चीज़ें रूरल एरिया में होती हैं मतलब गाँव वगैरह में वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। और इस चीज़ को जो सबसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे वो यूपी बिहार वाले बंदे हैं, क्योंकि यार उनको पता है जो इस शो में दिख रहा है ये उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, ऐसा ही होता है भाई, ये जो कॉमेडी आप लोग कर रहे हैं उनके आसपास ये माहौल हमेशा बना रहता है। तो चलिए अब मैं आपको रीज़न देता हूँ कि पंचायत आपको क्यों देखनी चाहिए। तो यार ये फिल्मी TV दुनिया में एक वर्ड यूज़ होता है सिटकॉम, जिसका मतलब होता है सिचुएशनल कॉमेडी। इसमें हम करते क्या हैं, जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप कॉमेडी होते रहती है, पीछे से वो लोग हा ही की आवाज़ डाल देते हैं और ये अच्छा लगता है आपको, जैसे कि फ्रेंड्स हो गया, बिग बैंग थ्योरी, ऐसे टाइप के शो। और यही सिटकॉम अगर आपको लाइव देखना है तो आप यूपी बिहार चले जाइए, वहाँ पर ये दिन भर चलता रहता है। मतलब वहाँ के लोग इतने मज़ेदार होते हैं, उनसे बातें करने में काफ़ी ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। और ऐसा नहीं है कोई इंपॉर्टेंट सा कोई रॉकेट साइंस वाली बात कर रहे हैं, वो सिंपल सी बात को ना मजेदार तरीके से बोलते हैं कि आपको सुनने में मजा आएगा, और सेम यही चीज ना आपको इस शो में देखने को मिलेगी। तो अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग नहीं भी करते तो आप देखेंगे यार ऐसे ही बंदे होते इतने मजेदार टाइप के। और यार मतलब मानना पड़ेगा यूपी बिहार के लोग होते हैं ना वो काफ़ी मज़ेदार होते हैं, मतलब आपने उन्हें देखा होगा वो छोटी सी प्रॉब्लम को भी एकदम बड़ा थोड़ा बढ़ा चढ़ा देते हैं, लेकिन जो बढ़ा चढ़ा के बड़ी प्रॉब्लम होती है वो उसको भी एकदम हंसते हंसते डील कर लेते हैं। मतलब उनका सेम है यार, अगर छोटी प्रॉब्लम है उसके लिए मीडियम लेवल का टेंशन लेना है, बड़ी प्रॉब्लम के लिए ही मीडियम लेवल का टेंशन लेना है। वो बंदे कभी डिप्रेशन में जाते ही नहीं है, आप देखेंगे उन्हें वो हमेशा आपको हंसते खेलते हुए मिलेंगे। मतलब यार इंडिया में जो सबसे हंसती खेलती जगह है ना वो यूपी बिहार है, तो मेरे ख्याल से अगर आप डिप्रेशन वगैरह के शिकार हो तो जाइए 10 दिन बिताइए बिहार में, वो बंदे अपनी बकचोदी से आपको एकदम अच्छा इंसान बना के वापस भेजेंगे वो। तो पंचायत वेब सीरीज़ में यार यही सब है, कुछ खास नहीं है, यही सब चलता रहता है, आप इसके साथ चलते रहिए, बीच बीच में वो आपको इमोशनल करता है और ये तो होता ही है यार, कोई भी ज़िंदगी बिना इमोशन के थोड़ी चलती है, तो उनकी ज़िंदगी में भी थोड़ा इमोशन आते रहता है। जैसे कि अभी मैं Season 2 देख रहा था, इसके शुरू के 7 एपिसोड में हंसते खेलते एकदम निकाले मैंने, बीच में मतलब लिटरली मुझे हंसी आई थी, और काफ़ी कम होता है कि मैं हंसता हूँ, आजकल तो बहुत कम ही हंसता हूँ, लेकिन इसके वजह से मैं हंसा था। मैं लीड लगा के देख रहा था, घर वाले मुझे पागल समझ रहे थे। लेकिन अब इसके 8वें एपिसोड के आखिरी के 20 मिनट आते हैं यार, उसने एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, मेरी आंखों में लिटरली नमी आ गई थी। तो काफ़ी अच्छा था यार Season 2, आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप यूपी बिहार से हैं तो आप इसलिए देखिए क्योंकि आपको काफ़ी रिलेटेबल लगेगा, आपको लगेगा ये लिटरली मेरी कहानी है अगर आप मिडिल क्लास से हैं। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी से नहीं आते तो भी आपको देखना चाहिए, आपको लगेगा यार ऐसे भी लोग होते हैं इतने मज़ेदार टाइप के, जो छोटी प्रॉब्लम को तो बड़ा दिखाते हैं लेकिन बड़ी प्रॉब्लम से भी इतने आसानी से डील कर लेते हैं। इससे आपको ना एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगा ये देखने के बाद।
मतलब यार एक चीज होती है, अगर आप दूसरों को खुश देखोगे, आपके आसपास खुशी का माहौल है, तो आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दुखी हो तो आप शाम को जाके पार्क में बच्चों को खेलते हुए देख लो, आपका मूड अच्छा हो जाता है। सेम यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा ये स्पेशल शो है, 10 में से 10 मास्टरपीस है, आप खुद देखिए और ये अपने आप में से 7, 8, 9 रेटिंग आपके अंदर से निकलवा ही लेगा। खुद आप बोलेंगे ये डिजर्विंग है उतने का। प्लस यार आजकल ना हमने OTT के लिए ना अपने ये बना रखी है कि ये फैमिली के साथ देख ही नहीं सकते, इसमें तो एडल्ट सीन होंगे ही। मैंने कई यूट्यूबर्स को देखे हैं, वो ये वीडियो बना रहे थे कि एडल्ट सीन क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ये वेब सीरीज देखिए, फैमिली के साथ देख सकते हैं, कोई एडल्ट सीन नहीं है, कोई न्यूडिटी नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं है। आजकल की दुनिया ऐसी बन गई है, यहाँ पे गाली गलौज के बिना आप कोई शो या कोई वीडियो को बना ही नहीं सकते फनी, लेकिन ये शो आपको फनी लगेगा अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही था, ये था मेरा पंचायत का रिव्यू, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी, मैं बोलूँगा आपको भी देखना चाहिए। आपको अगर खाली टाइम मिले आप एक एपिसोड देखिएगा, आपको आगे खुद मन करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पसंद ना आई हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये सब बटन YouTube ने दे रखे हैं, इन सब का इस्तेमाल करिए। तो मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।